अस्सलामुअलैकुम। आज टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट से लाहौर जा रहे हैं, अभी इस्तांबुल पे, तो इस्तांबुल से ये कनेक्शन है, ये जहाज़ खड़ा है हमारे गेट पे लगा है, गेट 13 है। लाहौर की फ़्लाइट है, अभी लास्ट कॉल पे आ गए, लाहौर लास्ट कॉल। जब हम पाकिस्तान आते हैं तो अपने साथ तोहफे तो लेकर ही आते हैं। आज मैं भी अपने साथ कुछ तोहफे ला रहा हूँ, जिसमें शामिल है लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चॉकलेट, परफ्यूम, ख़वातीन के पर्स, स्वेटर, गर्म कपड़े, जूतियाँ, मेकअप का सामान, मर्दाना स्वेटर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जैसे कि ज़्यादा कैपेसिटी की स्टोरेज ड्राइव्स वगैरह वगैरह। ये बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं है, लेकिन ये तोहफे की चीज़ें हैं। मालूम नहीं कस्टम वाले इस पे एतराज़ करते हैं कि नहीं। पिछले साल 2022 में गर्मियों में कस्टम्स की बहुत सख्ती थी, बहुत सारे मुसाफिरों पे कस्टम ड्यूटी लगाई गई, बहुत परेशानी रही। आज 2023 है, सर्दियाँ हैं, साल ख़त्म हो रहा है, कस्टम्स के कवानीन बदल गए हैं। मेरी फ़्लाइट सुबह 5 बजे लाहौर पहुँची है, कस्टम्स वाले फारग ही बैठे होंगे, देखते हैं आज कस्टम्स का क्या मामला बनता है। इस दफा कोविड वाला कोई चेक करने वाला नहीं, इधर पहले यहाँ खड़े होते थे चेक करने, अभी कोविड का कार्ड है, इस दफा नहीं है। अभी तो लाइन लगी, वाह जी, लाइन नहीं लगी, क्या बात। चलो नाइको वाला हमें भाई, इमिग्रेशन हॉल पासपोर्ट कंट्रोल से निकलते ही साथ में पोर्टर खड़े होते हैं, जो पूछ लेते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है कि नहीं, तो आपके साथ ही चलना शुरू कर देते हैं। तो जी साहब, इधर खड़े हुए पासपोर्ट देखते हैं कि भैया हो गए। ये आ गई फ्लाइट हमारी इस्तांबुल से, ये सामान भी आ रहा है। ये वर्दियों वाले लोग हैं, वो आखिर में ग्रीन चैनल के नीचे खड़े इंतजार ही कर रहे हैं, आए कोई बंदा उसको पकड़े। देखते हैं क्या होता है, बेचारे अभी तक अलोन खड़े हैं, बंदा ही कोई नहीं आ गया। देखते हैं भाई, आओ जी आओ जी आओ जी। बैग्स को स्कैन कराने के बाद आगे आए तो वहाँ ये कस्टम्स के अहलकार खड़े थे, जिन्होंने मेरे सामान का टैग चेक किए। कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे क्लियर कर दिया। कुछ और मुसाफिर थे जिनका सामान चेक किया जा रहा था, मैं चूंकि क्लियर था मैं पोर्टर की सरकारी फीस अदा करके एयरपोर्ट से बाहर आ गया। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।